नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रामझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे जमीन रजिस्ट्री का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। जी, आपको बताएं कि बेमेतरा जिला अंतर्गत आने वाले नवागढ़ क्षेत्र में स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक संघ अपनी मांगों को लेकर 21 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल में बेमेतरा जिले में स्टाम्प संबंधी सभी कार्य पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। साथ ही शासन को भी हर रोज करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। आपको बताएं कि रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज से संबंधित कार्य पूरी तरीके से चरमरा गई है। पिछले 4 दिनों से जमीनी रजिस्ट्रार ऑफिस में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। पंजीयन ऑफिस में भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लोग 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शासन के द्वारा जो ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री में जो नई योजना लॉन्च की गई, उसके विरोध हम लोग चाहते हैं कि जैसे पूर्व रजिस्ट्री चल रहा था, NGDAT के माध्यम से लोग करते आ रहे थे, एडिट जो हम लोग बनाते थे उसको अपलोड करके रजिस्ट्री कराते थे, उसके माध्यम से रजिस्ट्री होनी चाहिए। क्योंकि जो नई योजना है ऐप, उसके माध्यम से अगर रजिस्ट्री करेंगे, उसमें जैसे माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि भविष्य में उसको कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस किया जाएगा, तो कैशलेस किए जाने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पेपरलेस और फेसलेस जो कहा गया है, उससे हमको हमारी आजीविका पे जो है खतरा पैदा हो गया है, जिसके विरोध में हम लोग चाह रहे हैं कि ये रजिस्ट्री जो है पूर्ववत किया जाए। शहर और ग्रामीण इलाके से लोग अपनी जमीनी की रजिस्ट्री कराने, स्टाम्प खरीदने और अपने अन्य दस्तावेजों को तैयार कराने कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं होने से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।